वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे मैं हूँ इंडिपेंडेंट गोल डायरेक्टर आबेल फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान आज मैं आपके साथ जो है एक मज़े का डेमो जो है वो शेयर करने लगी हूँ ठीक है इस डेमो में जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल एंड इस वीडियो के जो नेम है इसे ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि ये डेमो है और की क्रीम वर्सेस एक लोकल क्रीम का और मैंने जो और फ्लेम की क्रीम सेलेक्ट की है वो ये है मेरे पास मिल्क एंड हनी गोल्ड ठीक है आ, इसके बारे में तो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे स्पेशली मिल्क एंड हनी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ ये मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब की ही रेंज में से है इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल शुगर स्क्रब की ही तरह है तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाते कभी किसी दिन मैं आपको इसका रिव्यू और इसकी इंग्रेडिएंट डिटेल और दूसरे बेनिफिट्स भी बताऊँगी लेकिन अभी जो है मैं आपके साथ जो है एक छोटा सा डेमो शेयर करने लगी हूँ सो so, डेमो में क्या होगा कि मैं अपने आ, वो ही डब वाला कि मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे डब अप्लाई किया और राइट साइड पे दूसरा खैर यहाँ पे मैं अपने लेफ़्ट साइड पर मिलकर हनी की क्रीम अप्लाई करूँगी ठीक है और लेफ़्ट जो राइट है मेरा मेरा राइट एंड लेफ़्ट जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं मैं से कंफ्यूज होती हूँ राइट एंड लेफ्ट में सम टाइम मैं लेफ़्ट की जगह राइट बोल देती हूँ so, सो हाँ जी यही मेरा राइट वाला ही है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लोकल क्रीम तो लोकल क्रीम कौन सी लगाऊंगी वो उसका नेम मैं नहीं ले रही लेकिन वो भी मतलब कि एक अच्छे ब्रांड की है और एक अच्छी खासी क्रीम है वो भी यानी कि काफ़ी मशहूर क्रीम है सो so, अगर आप गैस करना चाहते हैं तो आप गैस करके कमेंट्स uh, में उसका नेम लिख सकते हैं सो so, हम पहले जो है लोकल क्रीम से स्टार्ट करते हैं लोकल क्रीम जो है मैं इसको ओपन कर रही हूँ कैमरे के सामने जो है मैंने नहीं लाई uh, इसकी जो क्वांटिटी मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि मैं लेने लगी हूँ इस लोकल क्रीम की क्वांटिटी इतनी ठीक है आप देख सकते हैं ये जो लोकल क्रीम है ये काफ़ी थिक है और इसका टेक्सचर आप देखें हार्ड है ठीक है ये देखें अब इसको जो है सिंपल अप्लाई करना है और अप्लाई करने के दौरान ये मुझे थोड़ा सारा इसके ऊपर जोर लगाना पड़ा है यानी कि बहुत स्मूथली जो है ये अप्लाई नहीं हो रही लेकिन ये है कि मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से कर रही है हैंड मेरे जो थे वो हार्ड थे ठीक है और अब जो मेरे हैंड हैं वो काफ़ी हद तक मुलायम जो है वो फ़ील हो रहे हैं ठीक है, है? यानी कि जो मॉइस्चराइज़ इसने किया है इट इज़ वर्किंग पहले जो है ड्राई ड्राई था और अब अलहमदिल्ला जो है ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से इसको ब्लेंड किया है मैंने और ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक ब्लेंड हो गई है कुछ आपको डिफरेंस भी फ़ील होता होगा ठीक है कि वाकई इसने मॉइस्चराइज़ किया है अब हम चलते हैं दूसरी तरफ मिल्क एंड हनी गोल्ड ये तो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ आप यकीन करें ये खत्म ही नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो है ये ठीक है और इसको आप देखें यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और इसका टेक्सचर देखें ये इसका टेक्सचर लाइट वेट है बट इट इज़ टू मच एंड रिच बहुत ज़्यादा एंड रिच है देखें अभी मैंने इसको सिंपल ऐसे किया है और ये ऐसे ब्लैंड हो गई है बहुत अच्छे से इसने एकदम जल्दी क्विक इसने मॉइस्चराइज भी कर दिया है और ब्लैंड भी हो गई है और अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ क्योंकि मैं क्योंकि मैं ब्रांड यूज़र हूँ मैं अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और ये फ्लेम को अगर मैंने चूज़ किया है तो मैंने इसलिए ही चूज़ किया है कि देखें कि इसमें और इसमें वाकई फ़र्क मुझे फ़ील हुआ है यह बहुत जल्दी से ब्रांड हो गई है इसके अलावा आप देखिए कि मेरे जो लेफ्ट हैंड है जिसके ऊपर मैंने मिल्क हनी अप्लाई किया है ये थोड़ा सा ग्लो भी कर रहा है ठीक है तीसरे नंबर पे इसके बहुत छोटी सी थोड़ी सी मुलायम सी क्वांटिटी यूज़ हुई है बेशक ये एक्सपेंसिव है लेकिन एक दफ़ा अगर आप बाय कर लेंगे तो यही क्रीम यही चीज़ आपकी बहुत देर तक जो है वो निकालेगी और फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं कि सरफेसेस में ये मॉइस्चराइज है लेकिन चिपचिप -चिप कर रहा है ये मॉइस्चराइज़ है लेकिन ये चिपचिप -चिप नहीं कर रहा बिल्कुल लाइट वेट है एंड रिच है और अगर हम सरफेस का कंपैरिजन करें यह आपको थोड़ा ऑयली ऑयली फ़ील हो रहा है साफ पता चल रहा है कुछ ना कुछ लगाया हुआ है और इसके ऊपर आपको फील नहीं कुछ लगाया हुआ पता नहीं चल रहा है इट इज़ रियली स्किन के अंदर बिल्कुल ऑब्जॉर्ब हो गई है और स्किन का ही पार्ट बन गई है एंड पे लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि मुझे फील हो रहा है जो मेरी सरफेस है वो ये हैंड की सरफेस हैंड की स्किन मिल्क एंड हनी वाली ज़्यादा स्मूद एंड सप्पल है इसके अलावा ये वाली अबिट है मॉइस्चराइज़र क्रीम ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया लेकिन मुझे मेरा हैंड थोड़ा सा जो है ना हार्ड हार्ड फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है क्योंकि क्रीम का टेक्सचर ही जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था सो so, हर ब्रांड की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं मैं किसी को बुरा नहीं कह रही लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहती हूँ कि वाई आई यूज़ और फ्लेम मैंने क्यों और को प्रेफ़र किया और अगर आप चाहते हैं कि आप और फ्लेम को प्रेफ़र करें तो किन रीज़न की वजह से करें स्पेशली अभी सिर्फ मैंने आपको और फ्लेम की हैंड क्रीम का डेमो दिखाया है सो 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 अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा ला